मारे बगैर जिंदा रहने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पता नहीं सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे। शहजाद का फोन तो इस तरह के मैसेजेस से भरा हुआ है और आप सोचें कि उसकी बीवी होते हुए मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। प्लीज चुप कर जाए भाभी, आप प्लीज चुप कर जाए वरना मेरा मेरा दिमाग फट जाएगा। बस प्लीज प्लीज। मुझे पता है आपके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है भाभी। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। प्लीज ऐसा खुद को संभाल। भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप यू प्लीज गो, आप प्लीज जाए यहाँ से। मैं खुद को संभाल लूंगा, अभी मुझे बस अकेले रहना है। नहीं नहीं, मैं आपको डॉक्टर बुलवा के। मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बस अकेला छोड़ दें। प्लीज गो, मैं आई जस्ट नीड पीस। अलीना, अलीना, क्या कोई परेशानी है? एहसन ने कुछ कहा? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। एहसन का फोन आया था? जी आता है। तो क्या कहा उसने? वो कब तक आएंगे उसके मेहमान? वो अपने काम में बिजी है ना, इसलिए उसने ये बताया नहीं कि कब तक आएंगे। अच्छा, वो तुम्हारी मुमानी जान का फोन आया था, वो तुम्हारा पीला जोड़ा और चूड़ियां लेकर आज रात आना चाहती है। मैंने उनको कह दिया कि आ जाए। नहीं बाप, पूछ तो लेती मुझसे, अगर अभी से पीला जोड़ा पहन के बैठ गई तो बाहर के काम कौन संभालेगा। आप साफ मना कर दे मामी को, मैं अभी नहीं पहन रही कोई भी पीला वीला जोड़ा। क्यों फिक्र कर रही हो, ड्राइवर है ना, उसे कह दूंगी वो खुद ही कर लेगा। सर वो एक दवाई तो आपकी जाके ला नहीं सकता, बाकी काम खाक संभालेगा वो। आप बस मना कर दीजिए मामी को, मुझे नहीं पहनना इतना जल्दी मायों का जोड़ा वोड़ा। अरे क्या हो गया बेटा, अब तो मैंने उनको कह दिया है, उनको आने दो, हम जोड़ा रख लेंगे, मत पहनना तुम। जो जी में आता है करें। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात है? हमें सब कुछ कौन सा पहली दफा हो रहा है जो आप ये मायों और मेहंदी के चक्करों में पड़ गई हैं। सब मना करें प्लीज, नहीं करना ये सब कुछ मुझे। क्या हो गया तुम्हें, पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। क्योंकि अब मेरा दिल नहीं है सब कुछ करने का, ये सारी रस्में करने का। अच्छा ठीक है, वो मैंने ना नजमा को खाने का मेन्यू समझा दिया, उसने कर ली होगी तैयारी, तुम भी ज़रा जाकर देख लेना। मेरा ख्याल है कुल मिलाकर 15 लोग होंगे। अरे ये क्या हो गया इसे, समझ नहीं आ रहा ये क्यों ऐसा कर रही है। हिना तो जब आएगी तब आएगी, वो खुद देखेगी। अरे नूरी, अच्छा वो तुम मिल गई। एक काम करो, मुझे ना पानी ला देना मेरे कमरे में और राजू कुछ खाने के लिए भी रख देना, ठीक है? वैसे आज कुछ देर नहीं होगी तुम्हें आने में, ये कोई वक्त है आने का घर? मैंने कितनी दफा आपसे कहा है कि मेरे कामों में दखल अंदाजी मत किया करें। मेट के सामने बातें सुना रही है मुझे। I like the way you think. ये तुम्हारे काम और तुम्हारे मामलात नहीं है, तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम इस घर की बहू हो। तुम ये चाहती हो कि तुम किस वक्त पे आ रही हो, किस वक्त जा रही हो, तुमसे कोई कुछ सवाल जवाब ही ना करे। तो मुझे समझ नहीं आते, जो आप मुझे हर वक्त बहू होने का लेक्चर देती रहती है, मैं क्या करूँ? मैं क्या बहू नाम का मेडल बनवा के अपने गले में लटका लूँ और आपको हर वक्त पेशी देती रहा करूँ? यू डोंट नीड अ मेडल हिना, तुम्हें सिर्फ एक मेडल की जरूरत है, इखलाक के मेडल की।
एक्सक्यूज मी, ये आपने क्या बोला? क्या मसला है मेरे अखलाक के साथ? मैं कोई बॉयफ्रेंड्स बनाती हूँ छुपके, लड़कों से लेट नाइट बातें करती हूँ, कोई आवारागर्दियाँ करती हूँ आवारागर्द लोगों के साथ, या फिर कोई चीप किस्म की लड़कियों को घर में बुला लेती हूँ उनसे दोस्ती करके? हिना, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? माइंड योर लैंग्वेज, जो तुम्हारे दिल में आया सारे बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा ना कि कोई वक्त है आने का। आई कांट बिलीव यू तुम इस तरह की बातें भी कर सकती हो। मेरी बात सुनो, अगर आप इनडायरेक्टली मुझ पर इल्जामात लगाएंगी ना, तो मैं भी ऐसी जवाब दूंगी आपको। शट अप हिना, अपनी लिमिट में रहो, वरना वरना क्या? वरना मैं अगर अपनी लिमिट भूल गई ना, तो तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, हाथ उठ जाए। ऐसी उठा देंगी आप मेरे ऊपर हाथ? बिन बाप क्यों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ नहीं है। हाथ उठा देंगी, लिमिट में रहे अपनी। तुम्हारे लिए बेहतर ये कि तुम अपने कमरे में जाओ, क्या क्लासरूम में। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, से मुझे आपके मुंह लगने में कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने। कौन सा अमेरिका से आई है? नूरी, खाना लगाओ। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। ये क्या तरीका है ना, इतनी रात को उठकर तुम घर चली गई, मेरा आने का इंतजार कर सकती थी। क्यों, आपकी बहन ने आपको बताया नहीं कि उन्होंने मुझ पे हाथ उठाने की धमकी दी थी?